हमें एक पनागा बनानी होगी। चलो आओ, सबसे पहले हम बाइक पर पैराशूट बांधते हैं। बेहतरीन काम किया, यह हमें थोड़ी देर के लिए तूफान से महफूज रखेगा। और तुम्हारा भी शुक्रिया, तुमने हमारी मदद की, तुम बहुत खूब हो। सच कहूँ तो ये मदद काफी नहीं है, अब हम सभी को बचाव की सख्त जरूरत है। अरे हाँ, मुझे हर हाल में फोन को ठीक करने की जरूरत है और नैनो से रابطہ कायम करना है, वो हमारे ऐन मकाम की निशानदेही करने के काबिल होगा। मुझे इस फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को ओवरराइड करने की, सैटेलाइट सॉफ्टवेयर को दोबारा तश्कील देने की, ओहो यह भी काम नहीं कर रहा। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने एसओएस मैसेज अरसा किया है, वो इसे देखकर हमारी मदद के लिए किसी को भेजेंगे। ओहो, लगता है हमें मदद आने तक यही इंतजार करना पड़ेगा। मैंने कुछ सुना, वो यहाँ पहुँच गए हैं। मैंने तो कुछ भी नहीं सुना, शायद तुम्हारे कानों में रेत चली गई हो उबैद, या शायद आपके दिमाग में रेत भर गई हो उबैद। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ तो मीलो मीलो और मीलो दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। सालम, सालम क्या ये तुम हो? अब ये कौन है? ये मेरा कजिन तुर्की है। देखा, तुमने तो कहा था यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, और फिर तो फतन हमें तुम्हारा कजिन दिखाई देता है। तुमने हमें कैसे तलाश किया तुर्की? मुझे अभी अभी सिग्नल मिला कि तुम लोग यहाँ मुश्किल में हो। लेकिन तुम ये बताओ, यहाँ तक पहुँचे कैसे? वो लौट कर आ गए? ए दोस्तों, अम्मी अब्बा जल्दी आइए। मुझे खुशी है कि आप सभी बाहिफाजत लौट कर आ गए। तो आज आप लोग क्या करना चाहेंगे? समंदर किनारे? वहाँ बहुत रेत होती है। तो कहाँ जाना चाहेंगे? हम वाटरफॉल जाना चाहते हैं। यह हमारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होगा। हमें वाटर पार्क में मौजूद सबसे बड़ी लंबी खौफनाक और मजेदार आबी सवारियों का लुत्फ उठाना है। सुनो, यकीनन हम बहुत बड़ी लंबी खौफनाक आबी सवारी पर लुत्फ उठाएंगे, जैसे कि ये वाली। चलो हम सभी मिलकर मजे करते हैं। क्या बात है, मजा आ गया। ये बहुत ही खूब है ना दोस्तों? वाकई ये सवारी हैरत अंगेज है और खतरनाक भी। चलो दोबारा लुत्फ उठाते हैं। चलो चलो। वो क्या था? बिल्कुल बोरिंग था, बिल्कुल मजा नहीं आया। मुझे तो लगा था वो सवारी बहुत ही तेज तर्रार होगी। सालिम, देखो यहाँ बच्चे भी हमसे आगे हैं। हे, अब हमें खौफनाक सवारी का मजा लेना चाहिए। हाँ, बेहद खौफनाक सवारी का। ठीक है, रुको दोस्तों, तब मैं दीगर सवारी तलाश करता हूँ। हाँ, मुझे वो मिल गया, वहाँ वेव पूल पर। हाँ चलो मेरे साथ आओ। वाह क्या बात है, ये तो हैरत अंगेज है।
ओ, ये तो बड़ी लहर थी, ये तो कमाल है। सालेम, निहायत बचकाना। नहीं, प्लीज, वहाँ मुफ्त की आइसक्रीम है। आइसक्रीम? कहाँ है मुफ्त की आइसक्रीम? बताओ मुझे। चलते हैं। इसमें नहीं, 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 मैं नहीं। ओ नहीं, मैं तो कतई सवारी पर नहीं जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। दोस्तों, मेरी मदद करो। ये उबैद कहाँ है? वो नीचे चला गया होगा। लिहाजा अब हम तीन ही बचे हैं। बहुत डर लग रहा है। मुझे यकीन है वो आइसक्रीम की मजे उड़ा रहा होगा। या वो सुस्त नदी पर सो रहा होगा। तो कहो पहले कौन जाएगा? साले, क्या तुम पहले जाना चाहोगे? मैं तुम पहले जाना चाहते हो? चलो आगे बढ़ो। नहीं नहीं सालेम, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं इसे अंजाम दूंगा। हटो रास्ते से। अगर चाहो तो अपना इरादा बदल भी सकते हो। तुम्हारा शुक्रिया दोस्तों। तुम जानते हो मुझे घबराहट नहीं हो रही है, मैं ये कर सकता हूँ। माशाल्लाह, तुमने क्या अपना ख्याल बदल लिया? तुम्हें क्या पक्का यकीन है? ठीक है, सुनो, हम पहले चलेंगे ताकि तुम देख सको कि ये कितना आसान है। तो फिर हम नीचे मिलते हैं सलीम। शुक्रिया मेरे भाई। आखिरकार मैं यहाँ पहुँच ही गया। ओ सालेम, तुम अभी तक क्यों नहीं गए? अब मेरी बारी है, अब मैं जा रहा हूँ। ऐसी गलती मत करना सालेम, मैं पहले भी इसमें फिसल चुका हूँ। अरे नहीं, दोबारा नहीं। कॉल मुझे खुशी है तुम्हें पसंद आया। चलो फिर से मजे उठाते हैं। ठीक है, फिर से मजे लेते हैं। यकीनन मजा आएगा। नहीं नहीं, मैं दोबारा इस पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आओ ना, चलो ना उबैद, चलो ना हमारे साथ। ओ नहीं नहीं, शुक्रिया, बेहतर यही होगा कि मैं बच्चों के तालाब में जाऊं।
जरा ठहरो, ये तो बताओ तुम्हारी डाइटिंग प्लान का क्या होगा उबैद? बिल्कुल सही, ख्याल रहे तुम और मोटे हो जाओगे। मैं डाइटिंग मुकम्मल तौर से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन क्या मैं इसे देख भी नहीं सकता? कम से कम मुझे नजर भर के देख लेने दो। हे गाइस। हेलो शमा। बताओ मैंने कुछ देर पहले क्या देखा? तुमने उबैद को आइसक्रीम शॉप की विंडो चाटते देखा है ना? नहीं, मैंने अभी अभी मूवी देखी रोबो ड्रैगन, वो भी बेहतरीन 3D में। लेकिन मामला क्या है? ओ, ये कुछ ज्यादा ही बेसब्र है रोबो ड्रैगन के लिए, कितना बेचैन है ये। वाकई मैं तो बेहद बेहद एक्साइटेड हूँ। लेकिन हम अभी नहीं देख पाएंगे क्योंकि यहाँ किसी को डेंटिस्ट के साथ राबता करना है और हमने ये तय किया था कि ये फिल्म हम साथ में देखेंगे, इसीलिए। हाँ, बेचारा सालिम, उसे तो मुकम्मल 3 घंटे रुकना होगा तो साथ देख पाएंगे। पूरे 3 घंटे मुझे अभी देखनी है। मैं तो चली शॉपिंग करने। मैं जानती हूँ तुम्हें वो फिल्म अच्छी लगेगी, यकीन मानो मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें इंतजार से फायदा होगा। बाय 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 शम्मा, अपना ख्याल रखना। मैं यकीन नहीं कर सकता कि उसने हमसे पहले फिल्म देख ली है। सब्र करो, तुम जल्द ही देखोगे सालिम। रिलैक्स, तुम जल्द ही देखोगे सलीम। ठीक है, मैं रुखसत होता हूँ और यहीं पर फिर मिलूंगा। कितना इंतजार करना होगा? तकरीबन 1 घंटा। सुनो मंसूर, चाहे तो वो फिल्म अभी देख सकते हैं और किसी को खबर नहीं होगी। लेकिन उबैद, नहीं नहीं नहीं, हमने तय किया था, ये गलत है, हम सब साथ में फिल्म देखेंगे। चलो ना मंसूर, अभी फिल्म देख लेते हैं प्लीज। मैंने कहा नहीं तो बिल्कुल नहीं सलीम, वादा खिलाफी एक गुनाह है। लेकिन मंसूर, मुझे वो रोबो ड्रैगन फिल्म अभी देखनी है। देखो उन सभी ने वो फिल्म देख ली है मंसूर, मैं मिस नहीं कर सकता। सालिम देखो, उबैद धोखेबाज फरेबी। उसने हमारे बगैर फिल्म देखी। हो सकता है सलीम, लेकिन इरादा तो तुम्हारा भी वही था। हाँ, मैं सिर्फ चाहता था और वो देख चुका है, हम दोनों में बहुत फर्क है। बेहतर है, देखते हैं इस मामले में वो खुद क्या कहता है। हाय उबैद। हेलो शम्मा। डेंटिस्ट से मुलाकात कैसी रही? उन्हें मेरी कैविटी को भरना पड़ा, इसका मतलब मैं 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खा सकता। अफसोस की बात है, लेकिन एक अच्छी बात भी तो है, अब तुम फिल्म देख सकते हो। हाय बड़ी, यूं अचानक तुमसे मिलकर अच्छा लगा, कैसे हो तुम, ये हालचाल कैसे है? बेहतर बेहतर बेहतर। तो डेंटिस्ट से मुलाकात कैसी रही, क्या तुमने मजे किए? नहीं नहीं। यानी कि तुम्हारा ये इरादा है कि ये फिल्म दोबारा देखी जाए? दोबारा देखी जाए? झूठ मत बोलना, तुम्हारे गुब्बारे कहाँ गए? और आइसक्रीम कैसी थी, लजीज ना? मंसूर, ये सब क्या है? हमने सब देख लिया है उबैद। क्या देखा? थिएटर से निकलते देखा और कलाई पर रोबो ड्रैगन का बलून भी बांधा हुआ देखा और उसके बाद आइसक्रीम भी खाते हुए देखा। नहीं, मैं कहीं नहीं गया और मैंने कुछ नहीं खाया, मैं तो डेंटिस्ट के पास जा रहा हूँ। ये देखो, मेरी कैविटी में फिलिंग हुई है। ये नाटक रहने दो उबैद। आखिर मामला क्या है, मैं तो डेंटिस्ट के पास ही गया था ना? फिक्र ना करो उबैद, मुझे तुम पर यकीन है। वो रहा सबूत, देखो। हाँ, ये तो मैं हूँ, यानी कि हूबहू मैं। बिल्कुल मेरे जैसा है। मेरा ख्याल है मंसूर और सलीम ने इसे थिएटर से निकलते देखा होगा और सोचा होगा तुम हो। हाँ सही हो तुम। हे दोस्तों, रुको, मेरे पास एक आइडिया है।
हेलो भाई, परेशानी के लिए माफ करें, लेकिन मैं आपको अपने दोस्त से मिलवाना चाहती हूँ। हेलो दोस्त, कैसे हो? मैं हूँ उबैद। हेलो उबैद, मैं हूँ उमर। उमर, मैं और उबैद एक मजाक करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ और आपकी मदद चाहिए, क्या ख्याल है? तो उमर, हमें करना ये है कि ठीक है गाइस, तुम दोनों ने उबैद पर इल्जाम लगाया है कि उसने अपनी हेल्दी डाइट को ब्रेक किया है, तो तुम दोनों को ये साबित करने के लिए कि वो हेल्दी है इसलिए वो तुम्हारे साथ रेस करेगा। क्या तुम हमसे मजाक कर रही हो? नहीं, मजाक नहीं। देखते हैं मॉल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कौन पहले पहुंचता है। लेकिन उबैद, तुम्हें तो मालूम है ना, हम जीतेंगे। रेस करते हैं, फिर देखा जाएगा। उबैद, तुम मॉल की इस जानिब से उस जानिब तक हमसे पहले पहुंच जाते हो, तो मैं तुम्हें पॉपकॉर्न खिलाऊंगा। ओके वादा, लेकिन हाँ, मेरे लिए बड़ा वाला खरीदना होगा। तो ठीक है, चलो करते हैं, आओ। ओके, तो फिर तुम दोनों उस तरफ जाओ और उबैद इस जानिब तुम जाओगे, समझ गए? जो एंड तक पहले पहुँचेगा वो रेस जीत जाएगा। ये तो आसानी से हो जाएगा। सही कहा, ये वाकई आसानी से हो जाएगा। तो आओ, ऑन योर मार्क्स, रेडी स्टडी और दौड़ पड़ो। ऐसा लगता है हम उससे आगे निकल चुके हैं और उसकी तो सांस भी फूल चुकी होगी। चलो 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 सलीम, हम बस पहुंचने वाले हैं। क्या वो तो हमारे पीछे था, ये नामुमकिन है। मैं जीत गया। कैसे 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 इसने कैसे किया? तो कौन जीता? उबैद जीता। मुबारक हो उबैद। शुक्रिया। तो मुझे याद है किसी ने उबैद से वादा किया था पॉपकॉर्न का। ठहरो, एक रेस और हो जाए, ठीक है? अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें एक सुपर लार्ज पॉपकॉर्न के अलावा एक सैंडविच भी दूंगा। इस सूरत में जो कोई बगैर लिफ्ट के जीनों से टॉप पर पहुंचेगा वो बकायदा जीतेगा। तुम्हें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए उबैद। पता है, लेकिन मुझे करना है, मजा आएगा। तो रेडी सेट एंड गो। ये तो थकाने वाला है। हार मत मानना सलीम, कदम बढ़ाओ, हमें उबैद को हराना है। आ जाओ। चलो। चलो चलो जल्दी चलो। कोई बात नहीं सलीम, दौड़ो चलो, पहुंच गए। उबैद, हे दोस्तों, क्या हाल है? तुमने सुना देर कर दी। कैसे किया, कैसे किया? मुझे और ऑक्सीजन की जरूरत है, मुझे दो दो उबैद दिखाई दे रहे हैं। मैं समझाती हूँ, ये उमर है, इस लड़के को तुमने हाथ में आइसक्रीम लिए थिएटर से निकलते देखा था। तुम्हें इस पर शक नहीं करना चाहिए था, ये तुम्हारा दोस्त है और तुमने इसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। चलो अब इससे माफी मांगो। एक लार्ज पॉपकॉर्न और एक सैंडविच भी चाहिए। मैं वाकई माफी चाहता हूँ, हमने तुम पर बेकारी शक किया। किया? हाँ, मुझे भी माफ करना उबैद। हाँ, कर दिया माफ, अब फिल्म देखने चलते हैं। आओ चलें। खुदा हाफिज दोस्तों, फिल्म का लुत्फ उठाओ। हाँ, जीने इस्तेमाल नहीं करोगे? अच्छा है, तुम बड़े मजाकिया हो उमर, एक ही काफी था परेशान करने के लिए, अब दो दो को सहना होगा।
कुनबा बहुत अहम सामाजिक इकाई होता है। आपके वालदैन आपके लिए क्या क्या करते हैं ये समझने के लिए हम आपको उनकी जगह पर मुस्तैद करेंगे। आप ये चूजे घर ले जाएंगे और एक पूरा दिन आपको इनकी देखभाल करनी होगी। बेहतरीन। फिर आपको अपने तजुर्बे की रिपोर्ट बनाकर देनी है। वाह क्या किस्मत है, वाकई तुम दोनों बहुत ही अच्छे वक्त पर आए हो। ये कमाल का आपसी रिश्ता साबित होगा। बढ़िया। लगता नहीं है ये काम ज्यादा मुश्किल होगा। इधर आओ। सुनो ये काम इतना भी आसान नहीं है। पता नहीं मुझे ये मुश्किल नहीं लगता। ये मेरे पीछे पीछे रहता है, देखो इसे। ये सचमुच आसान है। ये मुझे बहुत दिलचस्प लग रहा है। मैं घर पर इससे भी ज्यादा दिलचस्प कुछ कर रहा हूँ। आओ दिखाता हूँ। ये रेगन दुनिया भर में जो भूख की परेशानी है उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगी। दोस्तों जब मैं इस कीड़े चावल के एक दाने पर डालूंगा तो वो अपने साइज से 100 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बस एक ही दिक्कत है इसके निशाने की, मैं ठीक करता हूँ। ये ठीक हो गई, अब ये जरूर बढ़िया काम करेगी। देखो अरे तुमने तो कहा था कि ये चूजा 1000 गुना बढ़ जाएगा। तुम्हें अभी भी इस पर थोड़ा काम करना चाहिए। जल्दी इसे यहाँ से बाहर ले चलते हैं वरना गड़बड़ हो जाएगी। मेरी मदद करो। इतना तो मैं उस शेर से भी नहीं डरा था, ये उससे भी खतरनाक है। भागो। जल्दी अंदर आ जाओ। अब इस बार तुम लोगों ने क्या मुसीबत खड़ी कर दी? आपको कैसे पता चला? अरे ये बात तो सब जानते हैं। तुम सब खबरों में हो, टीवी पर हो। ओके, हम इसे ठीक कर सकते हैं। बस इसके असर को उल्टा करना है, फिर ये चीख को पहले की तरह छोटा कर देगी। अच्छा है, लेकिन इस बार निशाना चूकना नहीं चाहिए। जरा संभल के। रेगन का असर उल्टा करने में तुम्हें कितना वक्त लगेगा मंसूर? थोड़ा सा। तो
अभी कैसा रहेगा? हाँ, इसके असर को उल्टा कर रहा हूँ। और आप? सही निशाना लगाने के लिए। मंसूर जल्दी करो। बस हो गया। तो चलो जल्दी करो। पहले मुझे आजमाना है, समझे उबैद? हमें साइंस को कभी कमतर नहीं समझना चाहिए। वैसे चाहे तो हम कर भी सकते हैं। ये क्या हुआ? शायद तुमने इसे पहले ही आजमा लिया हो। उस्ताद अली, नहीं नहीं नहीं, इस गन का निशाना ठीक किए बिना इस्तेमाल करना खतरनाक होगा। मैं तुम्हें कुछ और वक्त देता हूँ, देखो तुम शायद इसे ठीक कर सको। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो वापस आ गया। मंसूर, इसे जल्दी ठीक करना होगा, नहीं तो ये चूजा हमेशा हमारे पीछे रहेगा। हाँ, एक तो कारकोर के डिनर का वक्त हो चला है, अब इसमें और कितना वक्त लगेगा? उबैद, तुम उस बेचारे को अपने साथ राइड के लिए नहीं लाए हो, है ना? ये डरा हुआ होगा। मैं भला क्या करता, ये मेरे पीछे पीछे रहता है। ये ऐसे ही होते हैं, अंडे से निकलकर जिसे भी देखे उसे ये माँ समझ लेते हैं। तो ये तुम्हारा पीछा करता रहता है? हाँ। तो ये तुम्हारा पीछा करता रहता है? हाँ। आखिर सब इसे दोहरा क्यों रहे हैं? जैसे दूसरा चेक पूरे दिन से हमारा पीछा कर रहा है। हाँ? जिस तरह से मेरा चेक मेरे पीछे लगा हुआ है। ओह, बिल्कुल। अब हम जानते हैं कि हमें इसे ऐसी जगह ले जाना है जहाँ इस चेक को हम नॉर्मल साइज में ला सके। तो अब हम क्या करें? चलो पार्क में चले। मंसूर, तुम्हें इस पर पूरा यकीन तो है ना? दरअसल नहीं, यकीनन मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन हमें ये गड़बड़ी ठीक करनी ही होगी। कहाँ हो तुम? आ जाओ। दागो मंसूर, दागो। देखो, इसे बस यही चाहिए था, थोड़ी सी तवज्जो। मुझे देखना है कि तुम अपनी रिपोर्ट में क्या लिखते हो। मेरी रिपोर्ट? उस्ताद अली को ताज्जुब नहीं होगा। We'll be right back.
ये मेरी बेहतरीन इजाद है। ये न्यूरोसाइंस की दुनिया में इनकलाब लाने का आगाज है। अब महज एक ही चीज बाकी है और वो है अरे हाँ नहीं तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? सलाम अलैकुम उस्ताद। कैसे हैं? उस्ताद ये क्या है? ये तो बढ़िया है। देखो तो इसे। ये क्या है? क्या ये वही तजुर्बा है जिस पर आप काम कर रहे हैं? पता नहीं। ये क्या करता है? नहीं पता। हम करके देखें, शायद कुछ पता चले। बेहतर। तो बर्गर हो जाए। सलीम, अगर इसे हम 9 तक बढ़ाएं और फिर इसे 5 तक लाएं। हाँ। अच्छा तो पिज्जा? और ऐसा करने से क्या होगा? शुआरमा कैसा रहेगा? ठीक है, चलो पता करते हैं ये वाला बटन आखिर करता क्या है। दोस्तों, मैं भूखा हूँ। तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, बर्गर, पिज्जा और ओबैद। ठीक तो हो? मुझसे बात कर रहे हो? मैं कौन हूँ? ओबैद कौन है? कौन है ओबैद? ओ, मदद करो, मेरी मदद करो। अरे ये क्या? तुम हिलना मत। हिलना मत? क्यों नहीं? आखिर मैं हूँ कहाँ? यहाँ कैसे आया? कहाँ से आया? यशोर्मा, क्या मिल सकता है? देखो मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, समझे तुम? ये एक मेमोरी ज़ैपर है। थोड़ी तफरी करते हैं। ए, बहुत जुल चुके। कान खोल कर सुन लो, अब ये पार्क मेरा है तो तुम यहाँ से निकलो। अब आई इनकी अकल ठिकाने। मुकर्रर। तुम्हें क्या हो गया दोस्तों? तुम ऐसे नीचे क्यों पड़े हो? बताना जरा, बोलो भी। दोस्तों वो देखो, वो चोर है। म्यूजियम में हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। सालेम, जल्दी अपना फोन निकालो। देखो प्लान याद रखना, जैसे ही पैकेज तुम्हारे हाथ में आए तुम दोनों लोग खिड़की पे आ जाना, फिर खुफिया अल्फाज कहना, फिर मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। जो हुक्म आपका। तुम्हें खुफिया अल्फाज याद तो है ना? बोलो। वो है, मैं कौन हूँ? आप तो बॉस है, हमारे बॉस। हाँ वो तो मुझे पता है, मैं खुफिया अल्फाज बता रहा हूँ। मैं कौन हूँ? ये खुफिया अल्फाज है। ओ, अच्छा। और अब कोई गड़बड़ हो जाती है तो उस वक्त तुम्हें क्या खुफिया अल्फाज कहने हैं? मैंने आपको कभी नहीं देखा। बढ़िया, तो ठीक है काम शुरू करो। वो कुछ ही लम्हों में पहुंच जाएंगे। बढ़िया, यहाँ का काम मुकम्मल हुआ, बस हमें यहाँ पर खड़े होकर इंतजार करना है। क्यों, मैंने सही कहा ना? है ना? मंसूर, पता है मैं शर्त या कह सकता हूँ कि वो यहाँ जरूर किसी फिराक में है। हमें पैकेज मिल गया, सुना? हमें पैकेज मिल गया। जीने के नीचे वाली खिड़की पे जाओ और फिर खुफिया अल्फाज कहो, मैं तुम्हें बाहर मिलूंगा। जैसा आप कहें बॉस। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ?
वो खुफिया अल्फाज हैं। मैं वहाँ पहुँचने वाला हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है कौन? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? पर मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। लड़कों, सब ठीक तो है? और मैं कौन हूँ? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आप वहीं रुक जाइए बॉस। मेरा मतलब मैंने आपको कभी नहीं देखा। हद है। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ अब तक क्यों खड़े हो? चलो चले यहाँ से, हमें जल्दी यहाँ से निकलना है। अरे नहीं मंसूर, मंसूर जयपुर मुझे दो। तुम कौन हो? मैं तुम्हें अपना ये अरे ये क्या है? वो सब देख रहे हैं, उन्हें पकड़ो। मंसूर, उन्होंने देख लिया। कौन है मंसूर? तुम नहीं हो, बस वो जयपुर मुझे दो। मैं नहीं हूँ तो तुम्हें कैसे यकीन है तुम हो? तुम कौन हो? अब मैं समझ गया। तुम कौन हो? तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? पकड़ो उन्हें। किसे पकड़ू? वो चश्मदीद। वही तो मैंने कहा, जाओ पकड़ो पकड़ो उन्हें। बेहतरीन, क्या कमाल की इजाद है। अब मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। बस मुझे तुम लोगों से अब पीछा छुड़ाना बाकी है। मंसूर, भागना बंद करो बच्चों, भागना बंद करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं कहाँ हूँ? म्यूजियम में। ओहो बदमाश बच्चे, यहाँ से जल्दी बाहर निकलते हैं। अब तुम दोनों नहीं बचोगे। मैं कहाँ हूँ? मुझसे कुछ कहा क्या? पता था, मुझे पता था तुम हो, इसके पीछे तुम ही थे और अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। तो तुम हो मजे डायमंड गैंग के बॉस, आखिर तुम पकड़े ही गए। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि अपनी दवा का जायका कैसा होता है। सच में ये बड़ी अजीब हरकतें करवा देता है। तुम जानते हो आम दिनों के अलावा आज अजनबी सा बर्ताव कौन कर रहा था? पता है, मुझे ज्यादा नहीं पता, मगर ये बात पक्की है, तुम बेहद हसीन शख्स हो मिस्टर अली। मैं पूरा दिन तुम्हारा अक्स देख सकता हूँ।
ओबेद, बत्तखों को मारना बंद करो। हमें कल होने वाले फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए रियाज करना जरूरी है। लेकिन मुझे लेवल 5 हर हाल में मुकम्मल करना है। ओबेद, पकड़ो। माफ करना। शुक्रिया, माफ करना। काश मैं फुटबॉल भी उतनी अच्छी खेल पाता जितनी अच्छी बतख मारता हूँ। मैं समझ गया, तुमने मुझे एक नई इजाद का बेहतरीन आइडिया दे दिया। सच कहूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम जीतने वाले तो हो नहीं। हाँ, देखते हैं। हेड्स या टेल्स? हेड्स नहीं, टेल्स नहीं, हेड्स, 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 टेल्स। तुम्हारी टीम पहले किक मारेगी। तुर्की, मेरी जानिब। उबैद। तुमने अच्छी कोशिश की उबैद। तुम सबसे बेहतरीन किकर हो। लेकिन सर, बस खेलते रहो। हमें गोल करना है। मुझे नजर नहीं आई। मुझसे गलती हो गई। ओके, गोल किक। ये गैर मुनासिब है, वो बेईमानी कर रहे हैं। आधा वक्त मुकम्मल हुआ। वो किस कदर बेईमानी कर रहे हैं। यकीनन, और देखो तो कितनी बेशर्मी से कर रहे हैं। मुझे तो बहुत प्यास लगी है। सुनो दोस्तों, हम अच्छा खेल रहे हैं, हम अभी भी ये मैच जीत सकते हैं। अभी ये खेल खत्म नहीं हुआ है, चलो ऐसे खेलें जैसे पहले कभी ना खेला हो। हाँ, कर दिखाएं।
दूसरा हिस्सा शुरू। भला इससे बुरा और क्या होगा? ये कैसे हो सकता है? अब हम क्या करेंगे? पता है, समझ गया। देखो, हमें ये गेम हारना नहीं है। उनके पास दूसरा खिलाड़ी नहीं है। हम उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी लेंगे। ओ, मुतबादल। रुको, कौन? ये है दूसरा खिलाड़ी, एक टिन का डिब्बा। अबैद, इन्हें पहन लो, इनके जरिए रोबोट चलाना। अबैद, जरा हाथ हिलाओ। ऐसा बचपना तो मैंने कभी नहीं देखा। ओके, चलो खेलो। ओबेद, खेल खत्म होने में कुछ ही वक्त बाकी है। ओबेद, इन सबको रबर की बत्तखें तसव्वुर करो। ओके, मैं तैयार हूँ, अब दिखाता हूँ। अच्छा खेल रहे हो। मुझे कोई एतराज नहीं। जीत ले दोस्तों, हम जीत जाएंगे।
मेहमानों का खैर मकदम है जुजुत्सु के इस बेहद अहम खेल में जो आज आप सबके सामने पेश किया जाएगा। आज का शुरुआती मैच पेश किया जा रहा है येलो बेल कैटेगरी में, तो जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें आपके चहेते और खासम खास हम सबके प्यारे सालिम। लगता है रेफरी सालिम के मूव के मुतालिक बहुत फिक्रमंद है। मंसूर, क्या तुम घर बैठकर देखने वालों को यहाँ का आंखों देखा हाल बताओगे? लगता है सलीम अपने खुद के लिए फिक्रमंद है। सही कहा मंसूर, वो हमेशा रहता है, सालिम कितना अजीब है। चलो सलीम आ जाओ। तो हसरत कुछ ही लम्हों में शुरू होने जा रहा है, तो तैयार हो जाइए। पीछे उबैद जमाल आ जाओ, अब तुम दोनों की बारी है। डरो मत। मुझे तो तुम ठीक हो? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? Ah!
मैं मंसूर को किसी भी हाल में जीतने नहीं दूंगा। जीत मेरी होगी, वो अफसोस करेगा। हाँ जरूर, पर तुमने तो पिछले साल भी यही कहा था ना, याद है ना? हाँ याद नहीं जब मंसूर ने तुम्हारी कलाई लॉक कर दी थी और तुम्हें दर्द हो रहा था? ये वाला मुझे याद है, तुम्हारी बहुत बुरी हालत हुई थी। याद है जब तुम फिसल कर गिर गए थे? आज तुम्हारी खैर नहीं मंसूर। देख लेना, इस साल ये मुकाबला मैं ही जीतूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस साल कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कैसे? इससे। तुम लोग इसे बांधने में मेरी मदद करो। इसमें भी। अब मैं तैयार हूँ मंसूर को सबक सिखाने के लिए, और लूंगा ग्रीन बेल्ट। हमेशा ऐसे ही रहते हैं। इन तीनों का तो कुछ भी नहीं हो सकता।